विश्व कप में भारत पाक मैच को लेकर सचिन तेंदुलकर की राय है जरा अलग। जानिए क्या कहा उन्होंने। विश्व कप में भारत व पाकिस्तान के मैच को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की राय जरा अलग है। उन्होंने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में नहीं खेलता है तो इससे उसे घाटा होगा और दो अंक बनवाने पड़ेंगे। वहीं पाकिस्तान को इसका फायदा मिलेगा और उसे बैठे बिठाए दो अंक मिल जाएंगे। सचिन ने गावस्कर की राय पर अपनी सहमति जताई। गावस्कर ने कहा था कि भारत को विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ जरूर खेलना चाहिए और हराना चाहिए, ना कि मैच का बहिष्कार करना चाहिए। गावस्कर ने कहा कि एक बार फिर से वक्त आ गया है कि हम उन्हें हराएं। सचिन ने कहा कि मेरे लिए मेरा देश भारत सबसे पहले है। मेरे देश का जो फैसला होगा पूरे दिल से मेरा भी वही फैसला होगा। इससे पहले हरभजन सिंह और युजवेंद्र चहल ने कहा कि हमें पाकिस्तान का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। गावस्कर ने भी कहा था कि अगर भारत विश्व कप में 16 जून को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलता है तो वो लूजर कहलाएगा। अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलने का फैसला किया तो कौन जीतेगा? मैं सेमीफाइनल या फिर फाइनल की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे में कौन जीतेगा? जाहिर तौर पर पाकिस्तान, क्योंकि उसे दो अंक मिल जाएंगे। गावस्कर ने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान को विश्व कप में हमेशा हराया है। अगर इस बार भी हम उसे हराते हैं तो हमें दो अंक मिलेंगे। ऐसे में हमें यह निश्चित करना है कि उसे आगे नहीं बढ़ने देना है। इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप का आयोजन इस बार 30 मई से होगा।